वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में आज का टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर को पढ़ने से पहले हम डीसी मोटर के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं, हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स अमल करती है, जिस फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर मैं इसे एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखूं जिसकी डायरेक्शन ऊपर की जानब है तो इस कंडक्टर के ऊपर दाएं जानब फोर्स अमल करेगी। ये फोर्स दाएं जानब क्यों अमल करेगी, इस चीज़ के बारे में हमें लेफ्ट हैंड रूल बताता है, जिसके मुताबिक अगर हम जो है वो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करें, तो ये थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स अमल करती है। यहाँ भी जो है वो ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाया गया है जिसमें करंट डॉटेड करंट है, यानी कि बाहर की तरफ है। इस करंट कैरिंग, ये गोल करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस गोल कंडक्टर में जो करंट है वो पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस कंडक्टर के ऊपर भी जो है वो फोर्स अमल करेगी, जो कि राइट साइड पर होगी। इसी तरह अगर हम एक करंट कैरिंग कॉयल को जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल करती हैं, साइड बीसी के ऊपर एक फोर्स अमल करती है और साइड एडी के ऊपर एक फोर्स अमल करती है। जो फोर्स जो है वो बीसी के ऊपर अमल करेगी, साइड एडी के ऊपर उसके बराबर और मुखालफ सीमत में फोर्स अमल करेगी। इन दो बराबर और मुखालफ सीमत की फोर्सेस से इस कॉयल के ऊपर एक टॉर्क अमल करेगा, यानी कि कपल है ये, एक फोर्सेस का जोड़ा है जो कि एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। अगर देखा जाए तो F2 इस फोर्स की डायरेक्शन पेज के अंदर की जानब होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन पेज से बाहर की जानब होगी। फोर्स की डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन इस लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। तो ऐसा करने से ये कॉयल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, जैसा कि इस एरो से दिखाया गया है। यही वो उसूल है जिसके ऊपर एक मोटर काम करती है। ज़रा देखें, इस करंट कैरिंग कॉयल में से करंट भी बह रहा है। अगर इस कॉयल में करंट ना बह रहा हो तो इस कॉयल पे कोई टॉर्क अमल नहीं करेगा। तो अभी तक हमने ये सीखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स अमल करती है, अगर कोई करंट कैरिंग कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो उसके ऊपर एक टॉर्क अमल करता है। इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक डीसी मोटर बनाते हैं। हम एक जो है वो करंट कैरिंग कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं और इस तरह जो है वो एक डीसी मोटर बन सकती है। लेकिन इस तरह से बनाई हुई डीसी मोटर में एक प्रॉब्लम आता है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पहले हम डीसी मोटर की तारीफ देख लेते हैं। डीसी मोटर इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पर कौन सी मैकेनिकल एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पे देंगे और ये कॉयल घूमने लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो चुकी है। डीसी मोटर के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो दो हॉर्स शू मैग्नेट्स लगाए हैं। ये इन मैग्नेट्स की जो शेप है वो हॉर्स शू, जो घोड़े के पाँव के नीचे हम जो एक जो है वो मेटल लगाते हैं, उसकी शेप होती है, इस वजह से इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। दूसरा जो है, हमें एक कॉयल रखनी पड़ेगी, तो हम एक जो है वो कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तीसरा, हमें जो है वो यहाँ पे रिंग्स चाहिए होंगे। हम हमेशा ये बात याद रख लें कि डीसी मशीन के अंदर हम स्प्लिट रिंग्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, और एसी मशीन के अंदर हम एक जो है वो स्लिप रिंग इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों मशीनों में फ़र्क होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एसी मशीन जो भी होगी उसमें स्लिप रिंग यूज़ होगा और डीसी मशीन जो भी होगी उसमें स्प्लिट रिंग यूज़ होगा। तो हमारा अगला जो स्लाइड्स होंगी वो इसी बारे में होंगी कि ये स्प्लिट रिंग या ये जो कॉमोटेटर है ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस स्प्लिट रिंग को, इस टूटे हुए रिंग को हम कॉमोटेटर भी बोलते हैं। कॉमोटेटर का मतलब होता है तब्दीली करने वाला। तो ये जो स्प्लिट रिंग है वो क्या चीज़ तब्दील करता है, जो इसे तब्दीली करने वाला कहते हैं? ये करंट की डायरेक्शन हर आधे साइकिल के बाद तब्दील कर देता है, इसीलिए इसे तब्दीली करने वाला कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि स्प्लिट रिंग की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। अगर हम कोई भी कॉयल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जैसे कि यहाँ ABCD एक कॉयल है और उसमें से कोई डायरेक्ट करंट गुजारें, तो ये कॉयल जो है वो इस कॉयल की साइड AB के ऊपर ऊपर की जानब फोर्स अमल करेगी, क्योंकि इसमें करंट नीचे की जानब है, और इस कॉयल की साइड CD में करंट ऊपर की जानब है, तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स अमल करेगी।
जब ये कॉइल जो है वो इस तरह से घूमना शुरू करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कॉइल बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉइल जब घूमना शुरू करेगी, तो आपको ये ए बी साइड ऊपर को जाना स्टार्ट करेगी और सी डी साइड नीचे को जाना, तो एक कंडीशन में ए बी साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी और सी डी साइड नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ए बी साइड पे फोर्स भी ऊपर की जानब लग रही है और सी डी साइड पे फोर्स भी नीचे की जानब लग रही है। ये बिल्कुल उस किताब की तरह है जिसे आप जो है वो एक एंड से ऊपर की जानब खींचें और बुक को एक एंड से नीचे की जानब खींचें तो वो बुक बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। तो इस कंडीशन में ज़रा देखें, अब ये कॉइल इस कंडीशन में आ गई है जैसे मैं एरो से दिखा रहा हूँ। इस साइड को आप ऊपर को खींचें और इस साइड को नीचे को खींचें तो कॉइल लॉक हो जाएगी, अब ये घूमना बंद कर देगी, यानी कि हमारी मोटर घूमना छोड़ देगी। तो इस मसले को हल करने के लिए हम स्लिप रिंग की बजाय क्या लगाते हैं, स्प्लिट रिंग। अगर हम स्प्लिट रिंग लगा दें तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर से ज़रा देखें, अगर हम एक करंट कैरिंग कॉइल रखें तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इस साइड के ऊपर अपवर्ड फोर्स अमल करेगी और इस साइड के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स अमल करेगी, जिससे ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहेगी। यहाँ अगर इस फिगर में देखें, जब ये घूमना चाहेगी तो ये कॉइल इस पोजीशन में आ जाएगी कि एक साइड ऊपर की जानब हो जाएगी, एक साइड नीचे की जानब हो जाएगी। तो अब तो कॉइल घूमना ही बंद कर देगी क्योंकि ये इसे ऊपर को खींचेगा, ये इसे नीचे को, तो कॉइल यहाँ पे जम जाएगी, लॉक हो जाएगी, तो ये कॉइल मजीद नहीं घूम सकती। एक तरीका हो सकता है, अगर हम जो है वो इस कॉइल को घुमाना चाहते हैं ना, तो हम जैसे ही कॉइल इस पोजीशन में पहुंचती है ना, हम इस फोर्स की जो सीमत है वो चेंज करके डाउनवर्ड कर दें और इस फोर्स की सीमत अपवर्ड कर दें, तो क्या होगा, ये वाली जो फोर्स है वो इसे आगे को खींचेगी और ये वाली फोर्स इसे इस तरफ को खींचेगी, क्योंकि कॉइल भी घूम के थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह हर आधे साइकिल के बाद अगर हम फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये कॉइल घूमती रहेगी, वरना ये कॉइल नहीं घूमेगी। अब फोर्सेस की डायरेक्शन को जो है वो कैसे चेंज किया जाए, हम जानते हैं कि अगर जो है वो अब इस साइड में से करंट डाउनवर्ड है तो इस साइड पे फोर्स अपवर्ड अमल कर रही है, और जिस साइड में करंट अपवर्ड है उस साइड के ऊपर जो फोर्स है वो डाउनवर्ड अमल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस साइड का करंट अपवर्ड कर लें तो इसकी फोर्स की सीमत भी उलट हो जाएगी, यानी कि करंट की सीमत बदल देने से फोर्स की सीमत भी बदल जाएगी। तो कम्यूटेटर इसीलिए इस्तेमाल होता है, वो करंट की सीमत बदलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटर कैसे करंट की सीमत को बदलता है। यहाँ हमने जो है वो एक रफ सा फिगर बनाया हुआ है। ये मेरे पास एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का ये वाला जो हाफ पार्ट है ये ए बी साइड को जुड़ा हुआ है और ये वाला जो हाफ पार्ट है वो सी डी साइड को जुड़ा हुआ है। अभी कॉइल ने घूमना शुरू नहीं किया तो ए बी साइड ब्रश ए को लगी हुई है और सी डी साइड जो है वो ब्रश बी को लगी हुई है। ए बी साइड के अंदर करंट जो है वो एंटर हो रहा है, यानी कि ए बी साइड में करंट अपवर्ड है और सी डी साइड में करंट जो है वो डाउनवर्ड है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखें, ए बी साइड ब्रश ए को जुड़ी हुई है, सी डी साइड ब्रश बी को जुड़ी है, तो ए बी साइड में करंट अपवर्ड है और सी डी साइड में करंट डाउनवर्ड है, और जिस साइड में करंट अपवर्ड है उसके ऊपर फोर्स भी अपवर्ड अमल करेगी और जिस साइड में करंट इस डाउनवर्ड है उस पर फोर्स भी डाउनवर्ड अमल करेगी। ये फोर्स की डायरेक्शन आपने जो है वो वीडियो को पॉज करके आप लेफ्ट हैंड रूल से ये अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। अब ये कॉइल जो है वो क्लॉकवाइज सीमत में घूमना शुरू करेगी, जैसा कि यहाँ नीचे ज़्यादा क्लियर दिखाया गया है। तो जब ये कॉइल इस पोजीशन में पहुँची तो अभी भी आप ज़रा देखें तो ऐसा ही कुछ होगा कि जो ए बी साइड है वो इसी ब्रश को लगी है और जो सी डी साइड है वो इसी ब्रश को लगी है। यहाँ पे इसमें एल के और एम एन लिखा हुआ है, ये हमारी जो है वो यही साइड है। तो इस पोजीशन में भी अभी यही होगा, लेकिन जैसे ही ये कॉइल मजीद आगे जाना चाहेगी तो ये वाला ब्रश इधर लग जाएगा और ये वाला ब्रश इधर लग जाएगा, यानी कि ब्रशेज अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे जिससे करंट की सीमत उलट जाएगी। ज़रा देखें, पहले इस साइड में करंट डाउनवर्ड था, जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाएंगे ब्रश तो ये वाला जो दाएं वाला बाएं वाला ब्रश था वो दाएं जानब लग जाएगा और जो दाएं साइड वाला ब्रश था वो बाएं वाले जो दाएं साइड वाला हाफ स्प्लिट रिंग था वो लेफ्ट वाले ब्रश को लग जाएगा। जैसे ही ब्रशेस की जो है वो पोजीशन बदलेगी तो उस तरह ही करंट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। ज़रा यहाँ पे देखें, तो इस तरह करने से क्या होगा कि साइड ए बी में करंट डाउनवर्ड हो जाएगा और साइड सी डी में करंट अपवर्ड, तो करंट की सीमत बदली तो फोर्सेस की डायरेक्शन भी उलट हो जाएगी। जैसे ही फोर्सेस की डायरेक्शन उलट होगी तो मोटर जो है वो घूमना शुरू कर देगी। तो यही वजह है कि हम जो मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर आधे चक्कर के बाद ये वाला रिंग अभी बाएं जानब लगा है तो आधे चक्कर के बाद ये वाला जो रिंग होगा वो दाएं जानब लग जाएगा और जो ये वाला रिंग है वो
बाएं जानब लग जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, फोर्सेस की डायरेक्शन बदलती रहेगी, और जब फोर्सेस की डायरेक्शन बदलती रहेगी तो कॉइल इस तरह लॉक नहीं होगी बल्कि मुसलसल घूमती रहेगी। हर आधे चक्कर के बाद फोर्सेस अपनी डायरेक्शन बदल के कॉइल को आगे की तरफ खींच लेंगी। तो ये तो था डीसी मोटर का टॉपिक। अब हमने डीसी मोटर के टॉपिक में ये पढ़ा कि अगर आपने डीसी मोटर बनानी है तो आप जो है वो एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मोटर तो बन जाएगी, लेकिन वो मोटर जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूम सकेगी। ज़रा यहाँ से देखें, यहाँ पे जो है वो ये 0 डिग्री पे पड़ी हुई है, कॉइल बिल्कुल प्लेन में पड़ी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे पहुँच गई, इससे ज़्यादा ये नहीं घूम सकती थी। अगर आप स्प्लिट रिंग यूज़ ना करते या अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज ना करते तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं घूमनी थी। लेकिन इसका हल हमने ये निकाला कि हम ये टूटा हुआ रिंग यूज़ कर लेते हैं जो कि हर आधे चक्कर के बाद अपनी ओरिएंटेशन, अपनी जो है वो तरतीब बदल लेता है। पहले ये वाला हिस्सा ब्रश लेफ्ट साइड वाले ब्रश को लगा हुआ था, अब ये वाला हिस्सा राइट साइड वाले ब्रश को लग जाएगा। तो ऐसा करने से करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी, जब करंट की डायरेक्शन उलटेगी तो फोर्सेस भी अपनी डायरेक्शन हर आधे चक्कर के बाद उलटती रहेंगी और हमारा लॉकिंग का मसला हल हो जाएगा, इस कॉइल जो है मोटर की मुसलसल घूमती रहेगी। तो आज हमने जो है वो डीसी मोटर के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम बैक मोटर इफेक्ट इन डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।